नेगी जी, पहले तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सर, मैं आपको बहुत एक लंबे अरसे से जानता हूँ। मेरे ख्याल से आपने आप सारा जीवन और सारी जवानी चंडीगढ़ को योग सिखाने के लिए दे दी, तो इसमें आप कैसा अनुभव करते हैं सर? अनुभव तो योग का अच्छा ही है, क्योंकि अच्छा नहीं होता तो मैं इतने देर पता नहीं टिकता है नहीं टिकता। नहीं, योग का अनुभव तो आपका अच्छा है, इसलिए आपने अपनाया हुआ है। मैं ये कह रहा था कि जब कोई रोगी आपसे ठीक होकर जाता है तो उस वक्त आपकी जो अंदर की भावनाएं हैं वो क्या आपको कहती हैं, क्या आपकी आत्मा क्या कहती है, कैसा महसूस करते हैं? देखो, वो खुशी तो मिलती है क्योंकि गुरुओं ने हमें ऐसा ज्ञान दिया हुआ है जो बिना दवाई के लोगों को हम इलाज कर पाते हैं। ऐसा इलाज तो दुनिया में बहुत कम जगह है जो बिना दवाई के इलाज करते हैं। हम यहाँ गुरुओं के आशीर्वाद से योग के द्वारा, आसन के द्वारा, प्राणायाम या पंचकर्म के द्वारा लोगों का इलाज कर लेते हैं। और ऐसे ऐसे सीरियस लोग आते हैं जिनका इलाज हमें भी लगता है कि बहुत मुश्किल है, पर प्रभु कृपा से वो आराम से इलाज हो जाता है। कईयों को ऑपरेशन से बचा देते हैं हम, कई नाक के ऑपरेशन के लिए आते हैं, कई चश्मा हटाने के लिए आते हैं, कई घुटने बदलने के लिए। ऐसे लोग डॉक्टर ने बोला घुटने बदल दो, यहाँ आके वो ठीक हो जाते हैं तो फिर अच्छा तो लगता ही है। तो सर, आज के इस महत्वपूर्ण दिन के ऊपर चंडीगढ़ वासियों के लिए कोई संदेश? चंडीगढ़ वासियों के लिए संदेश यही है कि योग हमारे एक दिन करने के विषय नहीं है। सिर्फ कई लोग ऐसे हैं भी योगा डे के दिन तो आ जाते हैं, उसके बाद आते नहीं। मैं चंडीगढ़ वासियों, चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला, जो भी ट्राई सिटी में जो लोग हैं, उनको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि योग को अपने डेली जीवन में अपनाएं। ये शारीरिक स्वास्थ्य या मानसिक तनाव से बचा देता है। बीमारियों के अलावा योग करने से आदमी चुस्त रहता है, खाने पाचन क्रिया ठीक रहता है और अपने काम करने में भी कुशलता आ जाती है योग करने से। सिर्फ इलाज ही नहीं, ये योगा सर्व कर्म सुकौशलम, हर कार्य में इसमें सफलता अगर आपने प्राप्त करना है जीवन में तो योग को अपनाना है चाहिए। रामलाल महाप्रभु जी का जो योग है, इन्होंने सरल करके, पहले ये योग आम गृहस्थियों के लिए नहीं था। रामलाल महाप्रभु जी आए, जटाधारी प्रभु जी हैं बीच में, इन्होंने ही गृहस्थियों के लिए, जो आज हम लोग योग कर रहे हैं तो इनको श्रेय है, जो आज हम योग से इलाज कर रहे हैं तो इन्होंने ही बताया। इससे पहले योग का वर्णन तो बहुत था पर गिनती के लोग करते थे, जो घर बार छोड़ के साधु माताओं को के पास जाते थे उनको योग सिखाया जाता था और किसी को योग नहीं सिखाता था। योग के आप पुराने ग्रंथ पढ़ोगे, गोपनीयम गोपनीयम गोपनीयम, आप करो गुरु से सीख के करो, ऐसे नहीं करना, और किसी को कराओ तो पहले आपको जानना जरूरी है फिर उसको कराओ। योग को अच्छी तरह सीख के ही आपको आगे ज्ञान देना है, ये सिर्फ गुरु दे सकता है, हर आदमी को आज्ञा नहीं है।